हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पर बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं, वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आपके भी संपर्क हैं। चुनाव भर किस तरीके का सरकार का व्यवहार रहा है या क्या निर्देश समय समय पर नीचे भेजे गए हैं, और रामपुर एक उदाहरण रहा है, संबल एक उदाहरण रहा है। देखिए, ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर किसी को इस बात का शक है कि वोट आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, जो फॉर्म 17C है उसमें पूरी जानकारी है कि कितना वोट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम नियमों का पालन करेगा और एजेंट से लेकर के जो जानकारी है वो भी सही देंगे, एजेंट जो मौके पर रहेंगे उनको भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है, उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है, लेकिन उसमें यह भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे वन से रखी है। अरे, एक ही बिरादरी के सब सवाल पूछोगे, इसका मतलब प्रेस धन्यवाद दे दें, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एक ही बिरादरी से पूछवा रहे सवाल, धन्यवाद। ये सब सेटिंग आपकी भी है, चलिए धन्यवाद। ये इसलिए है कि मुनाफा कुछ लोग कम मांग रहे, कल विदा हो जाएंगे कुछ लोग।